एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में यह संदेश दिया कि राज्य में माहौल बदल रहा है। पवार ने यह बयान बारामती तहसील के नींबूत गांव में किसानों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा, हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन 10 में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर राज्य की जनता ने पूरे देश में यह संदेश दिया कि राज्य का माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की बागडोर बीजेपी के हाथों में है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्हें यह स्पष्ट हो गया है कि परिणाम अलग होने वाला है। उन्होंने कहा, राज्य में सत्ता में बैठे लोगों ने 31 सीटें खो दी और महाविकास आघाड़ी को इतनी ही सीटें पर सफलता मिली। पवार ने कहा, मतदाताओं द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सत्ता का इस्तेमाल कृषि से जुड़े और पानी की कमी जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों पर हल करने के लिए करें।